पंजाब में खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब डे के सदस्य गुरुवार को पुलिस के साथ भिड़ गए। दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद आतंक के समर्थक संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों से अजनाला में इकट्ठा होने की अपील की थी। उसके समर्थकों ने यहां पुलिस थाने को घेर लिया और अपने साथियों की रिहाई की मांग की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन वो नहीं रुके, बैरिकेड हटाकर थाने में घुस गए। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। दरअसल खालिस्तान समर्थक और खुद को सिख धर्म गुरु कहने वाले अमृतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस को चैलेंज किया था। उसने ऐलान किया था कि जब तक उस पर और उसके साथियों पर दर्ज मुकदमे को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठे। बताया जा रहा है कि अजनाला में पुलिस थाने के बाहर अमृतपाल के समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अमृतपाल सिंह का परिवार दुबई में रहता है। पंजाब में उस पर खालिस्तान का मुद्दा भड़काने का आरोप लगता रहा। जब उसे वारिस पंजाब दे संगठन में भूमिका मिली तो केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई। बताते हैं कि कुछ महीने पहले केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगी थी। अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल, उसके साथी लवप्रीत तूफान समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। आरोप है कि अमृतपाल के साथी तूफान समेत कुछ लोगों ने अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक को किडनैप कर लिया था, उसके बाद उसे बुरी तरह पीटा। इस मामले में तूफान को अरेस्ट किया गया तो बवाल मच गया। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। ये संगठन पहले दीप सिद्धू देखता था, जिसकी फरवरी 2022 में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सिद्धू के बाद अमृतपाल सिंह को इस संगठन का प्रमुख बनाया गया। खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरा वाले को अपना आदर्श मानने वाले अमृतपाल सिंह ने अपनी आक्रामक भाषण शैली के चलते काफी तेजी से लोकप्रियता हासिल की। अमृतपाल सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। उसका जन्म 1993 में हुआ और वो अमृतसर जिले के बाबा बकाला तहसील के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल सिंह 2012 में काम के लिए दुबई गया था और वहां से हाल ही में भारत वापसी की है। दुबई से उसकी वापसी के बाद पंजाब में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अलग सिख राज्य की मांग करता है और उसको लेकर भड़काऊ बयान भी देता है। जरनैल सिंह भिंडरा वाले की तरह पोशाक पहनने वाला अमृतपाल सिंह पिछले कुछ सालों से सिखों से जुड़े मुद्दों पर बयान देता रहा है। इसके अलावा उसने पंजाब के गांवों में जाकर आजादी और सिख धर्म से जुड़ी बातों पर लोगों से बातें करता है। आरोप है कि वो लोगों को खालिस्तान के नाम पर भड़का रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की नजर है। आरोप है कि अमृतपाल खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा है। अमृतपाल सिंह ने हाल में गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। उसने कहा था कि इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की थी। क्या हश्र हुआ? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आशंका जताई है कि आईएसआई की शह पर पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भड़काने के लिए अमृतपाल को दुबई से पंजाब भेजा गया है।